अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी। ये सर्दियों का मौसम आ गया है, टमाटर का भी मौसम आ गया है, तो इस मौसम में अगर टमाटर की कुछ रेसिपी नहीं खाए तो जैसे कि टमाटर की चटनी नहीं खाए तो क्या खाए। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आएँ, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टमाटर चार लिया है जिसे मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। ये मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है। ये इसमें भी होता है, भुना जाता है टमाटर, लेकिन इसे मैंने नहीं लिया है ताकि इससे पूरा गैस जो है चूल्हा गंदा हो जाता है, इसी वजह से मैंने तवे पर ये टमाटर रखा है। इसे मैं इसमें भून लेती हूँ। इसे चार टमाटर मैंने लिया बड़े साइज़ का, इसे मैं रख दिया है मैंने इसे। अब इसे इसी कटोरी से मैं इसे बॉल इसे मैंने ढक देती हूँ ताकि अब इस पर 10 से 15 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे पकने दें। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ। इसे पलट देते हैं टमाटर को। पलट दें, इसका चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ, सत्तू के पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। एक बार ज़रूर बना कर देखें। ये इसे मैंने पलट दिया है। फिर से मैंने इसे पलट कर अभी से मैं फिर से ढक कर और 5 मिनट के लिए ढक दिया मैंने। ये इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा। ये देखिए ये 5 मिनट हो गया है, टमाटर पक चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, ये पूरा पक चुका है। सर्दियों में इसका चटनी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ज़रूर एक बार बनाएं। ये मैंने इसमें नॉर्मल पानी इसमें डाल दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। ये देखिए इसका जो ऊपर का स्किन मैंने टमाटर का, ये जो छिलका, ये सब निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म था, हाथ बचाकर थोड़ा निकाले, इसे ये निकल जाएगा आसानी से। इसे निकाल लिया है। एक बार ज़रूर इसे बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये निकल गया है ऐसा सारा छिलका सब। इसे मैश कर लें, किसी भी स्पून से या फॉक्स से या स्पून से इसे मैश कर दें अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से ये मैश हो गया है। अब इसमें मैंने एक बड़ा साइज़ का, मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये डाल दें। दो मैंने हरी मिर्च लिया है, दो। आप अगर तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये दो मैंने लिया है हरी मिर्च, इसे भी डाल दें। इसमें और 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये भी ऐड कर दें। मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है,
आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर बनाएं। सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। रेसिपी अगर पसंद आए तो मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये तैयार हो गया है।